नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। भंडरिया वन परिक्षेत्र में मजदूरी कराने के बाद तानाशाही। वन परिक्षेत्र भंडरिया द्वारा मजदूरी कराकर मजदूरों को मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया, जिससे विवश लाचार होकर मजदूरों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी भंडरिया को आवेदन देकर भुगतान करने के लिए गुहार लगाई है। मजदूरों ने प्रखंड कार्यालय भंडरिया पहुंचकर वीडियो से लिखित शिकायत में बताया है कि पिछले 4 माह बीत जाने के बाद भी वन विभाग में जल छाजन योजना के तहत कार्य कराने के बावजूद मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं मजदूरों ने बताया कि वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र में जल संरक्षण के लिए लगाए गए बोल्डर स्ट्रक्चर निर्माण सहित अन्य योजनाओं में कार्य कराया गया है, लेकिन मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जो कि सरकार एक तरफ दावा किया है कि इस विकट समय की स्थिति कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना एवं समय पर भुगतान करने का निर्देश दी गई थी, लेकिन स्थिति को देखा जाए तो मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया गया है एवं भुखमरी का शिकार हुए हैं। यह सरकार की वादा को वन क्षेत्र के पदाधिकारी लोग विफल करने में लगे हुए हैं। मजदूर शिव कुमार सिंह, विनय सिंह, जितेंद्र सिंह, उमेश्वर लोहरा, उपेंद्र कच्छप, अंजलि देवी, पार्वती कुमारी, रतनी देवी, भगवंती कुमारी, रुदनी मिंज, अखिलेश मुंडा, अवंती कुमारी, रीता देवी, अशोक मुंडा, शांति देवी, सविता देवी सहित अन्य मजदूर लोगों ने बताया कि वर्ष 2020 जुलाई से अगस्त माह के दौरान वन विभाग भंडरिया वन क्षेत्र के नाला में बोल्डर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य के महीनों गुजर जाने के बाद भी मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरों ने बताया कि पिछले कई त्योहारों के दौरान भुगतान कराने का आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद भी मजदूरी नहीं मिली, जबकि भुगतान के लिए बैंक खाता संख्या सहित अन्य दस्तावेज भी विभाग को उपलब्ध करा दिया जा चुका है। शिकायत करने पहुंचे मजदूरों ने बताया कि मजदूरी मांगे जाने पर हमेशा कहा जाता है कि सोमवार को भुगतान हो जाएगा, परंतु नहीं होता है। अब तो साफ शब्दों में कहा जाता है कि जहां जाना है वहां जाओ, कहीं भुगतान नहीं होगा। इस प्रकार तानाशाही जवाब दिया जाता है। मजदूरों ने बताया कि वीडियो से शिकायत के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मजदूर आंदोलन करने के लिए बाध होंगे, जिसका जिम्मेवार वन विभाग के पदाधिकारी होंगे। अभी और साल हम काम कर ली, फुलकुमारी देवी और काम कर ली 14 दिन, 1 रुपया लिखे मिले जंगल विभाग में। मेरा नाम राकेश माझी है, मैं दिलीप माझी का पुत्र हूँ। मैं वन विभाग में मतलब दो महीना पहले काम किया हूँ और आज तक भुगतान नहीं हुआ पैसा। वो लोग बोल रहे थे मुंशी लोग कि भुगतान हो जाएगा अतिकर्मा में, और उसके बाद नहीं हुआ तो द्वितीया में बोले, द्वितीया में भी नहीं हुआ, और उसके बाद विश्वकर्मा पूजा बीत गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। और हम लोग पैसा के लिए बार बार हम लोग से पूछते हैं तो उन लोग बोलता है कि मार्ग डाला जाएगा। इसी तरह कहते कहते हम लोग कई समय बिता दिए और अंत में जाकर आज हम लोग प्रखंड पदाधिकारी के पास कंप्लेन करने के लिए आए। मेरा नाम अंजलि देवी, मैं भंडरिया का रहने वाली हूँ। हम लोग वन विभाग में काम किए हैं, वो बीते साल वाला भी पैसा नहीं मिलल है। अब पैसा मांगने भी जाते हैं तो काम करवाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जे करना है से कर लो, हम लोग पैसा नहीं देने पाएंगे, इसे उसे सब बोल के लोग निकल जाते हैं तो हम लोग क्या करने पाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।